अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गवार झींगा। ये आधा पाव गवार की फली है, देसी फली गाउठी है ये। इसको मैंने धो दिया है, काट दिया है। इसमें पानी उबाल डालकर मैं इसको उबालने रख रही हूँ। थोड़ा सा नमक डालकर ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है उबालना है तो उबालें। गवार उबल चुकी है, अब मैं इसका पानी ड्रेन कर दूंगी। 1/3 कप तेल गरम कर रही हूँ। इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 2 थोड़ा क्रैकल होने लगेगा। फिर हम डालेंगे इसमें प्याज, 1 मीडियम साइज कटी हुई प्याज, अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज, फ्लेम फास्ट रखेंगे। नमक डाल देंगे, प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करेंगे। प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, प्याज को लाल नहीं करेंगे। डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, फ्लेम स्लो कर देंगे। हल्दी डाल देंगे इसमें 1/4 टीस्पून भरकर, लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून, मिक्स कर लेंगे। एक मीडियम साइज कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। 2 हरी मिर्ची कटी हुई डाल देंगे, 1 छोटा सा बादियान का फूल भी डाल देंगे। पानी डालकर मसाले को भून लेंगे टमाटर के गलने तक। मीडियम फ्लेम पे टमाटर को गलने तक भून लेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। और भूनते जाएंगे इसको जब तक कि टमाटर नहीं गल जाता। मीडियम फ्लेम पे धनिया डाल देंगे 1/3 कप, मिक्स कर लेंगे। पानी डालेंगे, हमारा मसाला भून चुका है, टमाटर भी गल चुके हैं। अब हम इसमें उबली हुई गवार डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। पांच मिनट तक इसको ऐसे ही भूनेंगे हिला हिला कर। ये
एक मुट्ठी झींगे हैं जो मैंने धो दिए हैं साफ करके, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अभी फ्लेम स्लो कर देंगे। मिर्ची आपको अगर कम डालनी है तो कम लीजिए, नमक कम है तो नमक डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। थाली ढककर 5 मिनट तक रखेंगे सिम पर। 5 मिनट बाद बंद कर देंगे गैस को। देखिए पक चुका है, फ्लेम हाई पे रखेंगे और जिसमें जिसमें थोड़ा मॉइस्चर छूट गया है, थोड़ा पानी छूट गया है, उसको सुखा लेंगे। 5 मिनट में झींगे गल चुके होंगे। देखिए इसका पानी मैंने सुखा लिया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। गवार झींगा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।